हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन का। इसको ब्रीफ में करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोटेशन। रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पे घूमते रहना, ठीक है। अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, और आप उसी ए पॉइंट पे घूम ही जा रहे हैं, उसी ए पॉइंट पे घूम रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या है, रोटेशन। तो अपनी एक्सिस पे जब घूमती है, और दैट इज रोटेशन। और जब वो पूरा एक बार चक्कर लगा लेती है अपनी एक्सिस पे, तो उससे क्या हो जाता है, एक पूरा दिन हो जाता है, यानी एक नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। कितना एंगल है, 66 1/2 डिग्री, ठीक है। ये अर्थ हमारी घूम रही है अपनी एक्सिस पे। अब जो पोर्शन सन की तरफ होगा, मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, तो ये सन है, राइट। तो ये वाला पोर्शन अभी इस वाले पार्ट पे है, तो इस वाले पार्ट पे क्या होगा, डे होगा, और पिछले वाले पार्ट पे क्या होगा, नाइट होगा, राइट। सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो पीछे के साइड में ना एक तरीके से क्या बन जाएगी, एक शेडो बन जाएगी। तो वो जो शेडो होगी ना, बेसिकली एक इमेजिनरी शेडो है वो, ठीक है। तो वो जो शेडो बन रही है, इमेजिनरी नहीं कहेंगे, मतलब एक लाइन इमेजिनरी है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन बन जाएगी जो कि डे और नाइट को सेपरेट कर रही होगी। दैट इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और अर्थ 24 घंटे लेती है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, राइट। अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, तो अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो, राइट। तो सन के चारों तरफ मूव कर रही है, तो जब भी कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, यानी किसी सेलेस्टियल बॉडी की तरफ चारों तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन। कितना टाइम ले रही है, 365 डेज और 4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, इतना वो टाइम ले रही है। हर चौथे साल में हमारे पास 29 डेज होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास घंटे कितने होते हैं, 365 आवर्स, 365 डेज, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स 4 साल के बाद क्या बन जाएंगे, 24, 6 4 24, तो 24 आवर्स जब बन जाएंगे, तो एक डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब एक डे एक्स्ट्रा होगा, तो 29 की फेब्रुवरी आएगी, उस टाइम पे लीप ईयर कहलाएगा वो, ठीक है। तो अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, आप देख सकते हैं। सीजनल चेंजेस भी इसी वजह से होते हैं, क्योंकि सन के सामने वाले एरिया पे बहुत भारी गर्मी पड़ेगी, सन के जो पीछे वाले एरियाज होंगे वो ज्यादा कोल्डर रहेंगे, राइट। तो ऑल द सीजनल चेंज जो हो रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। अब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है समर सोल्स्टिस का, तो ये समर सोल्स्टिस है क्या। समर सोल्स्टिस एक ऐसी पोजिशन है जब अर्थ जो होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सबसे ज्यादा रेज पड़ रही होती है सन की। जब नॉर्दर्न एरिया पे सबसे ज्यादा अगर आप ग्लोब की बात करें, तो ग्लोब में जो नॉर्दर्न एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या पड़ेगी, आपकी सनलाइट पड़ेगी। उस दिन क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। और वो जो डे है वो जनरली 21 जून रहता है। अब सदर्न हेमिस्फेयर में इट इज द विंटर सीजन एट दैट टाइम, सदर्न साइड में विंटर होगा ऑब्वियसली। दोनों नदर्न और सदर्न साइड में दोनों में एक सीजन नहीं हो सकता है एक टाइम पर। तो ये जो यहाँ पे जो डेज होंगे वो शॉर्टर होंगे, और नाइट्स जो होंगी लंबी होंगी। आप देखते भी हैं सर्दियों के अंदर दिन जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और रातें जो होती है लंबी होती है। विंटर सोल्स्टिस की बात करें, तो विंटर सोल्स्टिस के अंदर क्या होगा ना, सदर्न हेमिस्फेयर पे लॉन्गर डेज रहेंगे और शॉर्टर नाइट्स रहेंगी। और ये पूछा जाता है कि ये कौन सा दिन होता है, 22nd of December, 21 मार्च और 23rd सेप्टेम्बर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, तो इक्वल डे होता है और इक्वल नाइट होती है। यानी अगर हम बात करें आपके 24 आवर्स की, तो आप ये बोल सकते हैं कि इक्वल इक्वल आपके 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब 4 सीजन होते हैं हमारे पास, ठीक है, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। आप देख सकते हैं पिक्चर, समर की, विंटर की, ऑटम की, और रेनी सीजन, राइट, जिसमें बेसिकली आप स्प्रिंग भी कंसिडर कर लेते हैं उसको। तो अब क्या हो रहा है ना, कि हमारी सन की जो रेज है वो डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, हेंस दीज एरियाज आर हॉट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर वाला। तो अगर ये इक्वेटर सेंटर में है, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, दिस वन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हीट पड़ती है, और अगर डायरेक्ट हीट पड़ेगी तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली बारिश भी ज्यादा होगी। तो इक्वेटर वाले एरिया पे सबसे ज्यादा आप पाएंगे कि बारिशें भी सबसे ज्यादा होती हैं।
एरिया जो पोल्स के ऊपर होंगे, ये वाला पोल और ये वाला पोल, या आप ये बोल सकते हैं ये पोल और ये पोल। पोल्स पे सबसे ज्यादा क्या होगी, ठंड होगी, क्योंकि वहां पर हीट जो होती है वो पहुंच नहीं पाती है सन की, राइट। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन 24 जून, ये बता दिया मैंने आपको। सदर्न हेमिस्फेयर में जो रहेगा वो रहेगा आपका 22 दिसंबर, तो ये चीज ध्यान रखिए। 21 मार्च को और 23 सितंबर को इक्वल डे और इक्वल नाइट्स रहेंगी, इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। 23 सितंबर में पतझड़ यानी ऑटम शुरू हो जाएगा, राइट, और वो नदरन में होगा, तो सदरन में क्या होगा, स्प्रिंग होगा, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी नदरन में अगर समर है तो सदरन में विंटर होगा, नदरन में अगर स्प्रिंग है तो सदरन में क्या होगा, ऑटम होगा। तो इस तरीके से आपको लर्न याद करना है। ऑन 21 मार्च वही अपोजिट डेज एंड नाइट्स अकर ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि वो रोटेशन की वजह से होती है, और चेंजेस इन सीजन वो रेवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दिन और रात कब होती है, जब हमारी अर्थ जो है अपना एक पूरा अपनी एक्सेस पे एक पूरा चक्कर काट लेती है, तो उससे डे और नाइट हो जाता है। देखिए अभी अर्थ यहाँ पर है, ये वाला पार्ट इसका यहाँ पर है सन के सामने, यहाँ दिन हो रहा है, ठीक है। अब ये अर्थ घूमते घूमते इस वाले रीजन पे आएगी, तो ये वाला रीजन यहाँ आ जाएगा फ्रंट में, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, ठीक है। तो एक रोटेशन जब कंप्लीट कर लेगी तो दिन और रात, और सन के चारों तरफ जब वो घूमेगी, और पूरा साल लग जाएगा उसको घूमते घूमते, तब पूरे साल में स्टेप बाय स्टेप यानी ग्रेजुअली सीजन आ जाएंगे, ठीक है जी। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।